पतंजलि का जोंट जो है, पतंजलि का जोंट लगाने के लिए मीन चार काम है जो प्रशासन ने जो 1457 कनाल चार मरले की जो जमीन आइडेंटिफाई की थी और लेने के लिए जो प्लान बनाया था उसमें जो एसडीएम विजयपुर के थे तब के और नायब तहसीलदार पटवारी गरदौर जितने भी थे उनको जो है उन्होंने लैंड ग्रैबरों के साथ मिलकर 23,91,45,000 रुपये का जो जो पेमेंट इशू की है। ये कल जो एसीबी विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जम्मू ने जो कार्रवाई करते हुए जो उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च की है, पैंथर्स पार्टी इसका वेलकम करती है। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी काली बेड़े जो रेवेन्यू अथॉरिटी में जो बैठी हुई हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब, इनके खिलाफ एक फोर्सफुली जबरन इनको जो है वो रिटायरमेंट किया जाए ताकि आने वाले समय में रेवेन्यू अथॉरिटी में जो है वो साफ सुथरा निज़ाम जो है वो लोगों को देखने को मिले। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने 23,91,45,000 रुपया लैंड ग्रैबरों को पेमेंट की है इनसे रिकवर किया जाए और जो लोगों की प्रॉपर्टी है जो जमीनें हैं ये वापस उन लोगों को वापस दी जाए जिन लोगों की जमीनें हैं। और इसके साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से जिला सांबा में डीसी साहब ने जिस तरीके से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की हुई है ये अच्छी बात है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों की आपने डिसमेंटल किया है प्रॉपर्टी को तो उनका क्या कसूर है, क्योंकि रेवेन्यू अथॉरिटी वालों ने उसमें पटवारी शामिल था, उसमें गरदौर शामिल था, उसमें नायब तहसीलदार शामिल है, उसमें जो तहसीलदार शामिल है, एसडीएम शामिल है, उन्होंने कैसे उनके फर्द काटे, उन स्टेट लैंड के जो गैर मुमकिन खाद के उन्होंने किस तरीके से उनके फर्द काटकर जो है वो सेल डीड करवाई। सबसे ज्यादा अगर कसूरवार है तो वो रेवेन्यू अथॉरिटी है जिनकी वजह से जो है वो लैंड ग्रैबर जो है उनको इंकरेजमेंट मिलती है और जिस तरीके से उनका रिकॉर्ड लोगों का रिकॉर्ड टेम्पर करके जो लैंड ग्रैबरों को फायदा दे रहे हैं वो रेवेन्यू अथॉरिटी वाले हैं। इनके खिलाफ भी डीसी साहब कार्रवाई करें ताकि उन लोगों को भी इंसाफ मिल सके जिनके आपने जो है वो स्ट्रक्चर डिसमेंटल किए हुए हैं। तो इसी के साथ साथ हम पूरे इस जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मुद्दा है ये द्वारा हम यही अपील करना चाहते हैं आप एलजी साहब से कि आप इसकी सो मोटो कार्रवाई जो है वो की जाए और बाकी वाले 1457 कनाल का मसला जो है वो भी पेंडिंग है। ये सिर्फ सोमा देवी का मसला हल हुआ है, अभी 1457 कनाल की जमीन का जो मसला अभी भी पेंडिंग है। इसमें कौन लोग शामिल हैं, कितने रेवेन्यू ऑफिशियल इसमें शामिल हैं, कितने लैंड ग्रैबर शामिल हैं, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उन लोगों को, उन विधवाओं को, उनको इंसाफ मिल सके। और यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं।